फ्रेंड्स हस्बैंड का बहुत दिनों से मन कर रहा था मिक्स वेज खाने का, तो आज फाइनली मैं उनके लिए मिक्स वेज बना रही हूँ और वो भी बिना प्याज लहसुन के। तो उनका कोई खुशी का ठिकाना ही नहीं है आज, वो बहुत खुश हैं खाने को लेकर। मेरे से पूछ रहे थे क्या बना रहे हो, मैंने कहा अरबी पड़ी। अरबी कह रहे नहीं मैं आज खाना ही नहीं खाऊंगा, तो मैंने कहा चलो मिक्स वेज लिया आज मिक्स वेज बना देती हूँ। अब मैं बनाने लग रही हूँ मिक्स वेज, वो भी बिना प्याज लहसुन के रेस्टोरेंट स्टाइल में, और बहुत ही टेस्टी बनती है। आपने सही कहा, मेरा खुशी का ठिकाना नहीं। इसी खुशी में देख लो मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ है और आप बोल रही हैं। ये तो है। चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट कर दूं बनानी। टाइम तो वो वेस्ट करते हैं जो बिजी होते हैं, हम लोग तो वेले हैं, हमने क्या टाइम वेस्ट करना। इसमें जो मेन जो टाइम है ना मिक्स वेज में वो है कटिंग। अच्छा, सब्जी की कटिंग होती है ना, बहुत टाइम लेता है, जो आप मेरी हेल्प नहीं करोगे इसमें। क्यों, मैं करवा देता हूँ कटिंग? कटिंग का क्या है, एक हाथ होना चाहिए ना, आप बस खाने में हेल्प कर देना, जब मैं बना दूंगी ना तो आप खा लेना बढ़िया से खुश होके। ठीक है, चलो बनाना स्टार्ट करती हूँ मैं। ओके जी। फ्रेंड्स अब स्टार्ट हो गया है हमारा मिक्स वेज बनाने का प्रोसीजर, और अभी इसके अंदर ऐड होगी मटर और माय फेवरेट पनीर। तो पहले मैं इसको थोड़ा सा फ्राई करूंगी ताकि सब्जी हमारी सॉफ्ट ना हो और खड़ी खड़ी बनेगी है। तो हल्का सा इसको मैं सौते करके निकाल दूंगी, फिर उसके बाद में तड़का मारूंगी इसमें। फ्रेंड्स ये लग गया है हमारा तड़का, और फ्रेंड्स अपनी मिक्स वेज को और टेम्पटिंग बनाएंगे हम इसको स्मोकी फ्लेवर देकर। स्मोकी फ्लेवर रिद्धि सिद्धि के पापा को बहुत ज़्यादा पसंद है। स्मोकी फ्लेवर अगर इस मिक्स वेज में आप दोगे तो इस मिक्स वेज में चार चांद लग जाएंगे और उसका टेस्ट दुगना हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ तैयार कर रही हूँ, मैंने एक कोयला रख दिया है गर्म होने के लिए। ये कोयला थोड़ा सा हीट हो जाएगा तो इसके अंदर मैं हल्का सा एक चम्मच देसी घी डाल के तो इसमें स्मोक दूंगी वेजिटेबल में, मैं आपको दिखाऊंगी अभी। ये देखिए जादू। केयरफुली इसको आप बाहर निकालेंगे। ये देखिए मेरी मिक्स वेज की रंगत, एक एक वेजिटेबल्स आपको क्लियर दिख रही होगी, कुछ भी नहीं टूटी। और बस अब हमारी मिक्स वेज बन के रेडी हो गई है। अब मैं इसको गार्निश करूंगी हल्की सी क्रीम डालकर और थोड़ा सा हरा धनिया। ये तैयार हो गई फ्रेंड्स, ये तैयार हो गई है हमारी थाली और ये अब सर्व होने जा रही है अंदर। ये लो जी, खाने के बाद अब कुछ मीठा हो जाए, ये मम्मी ने बनाए हैं। कोई गैस करके बताएगा कि क्या है ये? ये है मथुरा के पेड़े। ये मथुरा के पेड़े नहीं है, ये है पार्ले जी के पेड़े, लेकिन बनाया गया दिल्ली में इसे। सही बात है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? तो आज हमारे ब्लॉग में होने वाला है लाइटर चैलेंज, और ये ऐसा वैसा लाइटर चलता है, देखो ये देखिए। और ये हमारे पास एक बॉक्स है जो हम इसको ऐसे ऐसे उठालेंगे, अगर ये बॉक्स खड़ा हो गया तो वो तो हो गया विनर, अगर ये बॉक्स 5 times में नहीं खड़ा हुआ तो उसके लगेंगे 5 times लाइटर। कौन खेलता है इसका? मैं तो एक बार भी लगा। चलो ठीक है, चलो पहले आपकी बारी, स्टार्ट करते हैं चैलेंज। और गाइस हम दोनों को लाइटर नहीं लगेगा, हम बल्कि मम्मा और पापा को लगाएंगे। हाँ चलो ठीक है, मम्मा और पापा में। चलो पहले आपकी बारी, लेडीज फर्स्ट। चलो गाइस मेरे लिए प्रेयर करना कि मेरे को लाइटर ना लग पाए और मेरा बॉक्स एक या दो बारी में खड़ा हो जाए। मुझे लाइटर से बहुत ज्यादा डर लगता है, मैं एक बारी को इंजेक्शन लगवा सकती हूँ पर मेरे लाइटर नहीं लगा। लगेगा कहाँ? आ सकते हैं, आप लोगों को एंटरटेन करना है और हंसाना है तो ये लाइटर कॉम्पिटिशन हमने रखा है, सॉरी लाइटर चैलेंज हमने रखा है। चलो जी कोई बात नहीं करते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हैं, इनको स्टार्ट किया जाए। 1, 2, 3, 4, 5,
मैं खत्म होगा ना, ये देखो जी। चलो बारी आती है रिद्धि सिद्धि के पापा की और इनको लगेगा बढ़िया लाइटर। और गाइस ये सरप्राइज, ये सस्पेंस है कि लाइटर हमने कहाँ लगानी है, मैं हम आपको दिखाएंगे जो चैलेंज को नहीं कर पाएगा। ये देखो जी, थोड़ा ऊंचा, चलो चीटिंग नहीं। ये बराबर हो गया, ठीक है, दोबारा ये बराबर हो गया। चलो चलो सिद्धि की टायर, इसे छूट ही जाता है। चलो रहने दो, चलो जी मम्मा। चलो अब कम करते जाते हैं, बहुत डर लगता है। अब ऐसा करो, सुनो, अब ड्यूरेशन कम करो, अब फोर 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 राउंड। चलो वन टू थ्री फोर। अब अगर मैं ना कर पाया, देखो हटो, मम्मा के इधर, आपकी मम्मा के लगा दिया। सीरियसली बहुत पेनफुल है ये लाइट। अब एक बार सिद्धि करेगी, चलो ओ ओ। चलो बस बेटा, बस बस बस, चलो अब आप थ्री टाइम हो गया ना, अब थ्री टाइम हो गया ना बेटा, थ्री टाइम हो गया। चलो बेटा बाप की, चलो वन थ्री टाइम से नो, तीन चार से कम होगा, तीन हो गया, तीन। चलो वन टू थ्री। चलो अब पहले आपने लगाया था, ये लगाएगी यार, कुछ और कर लो। नहीं नहीं बेटा रुक जाएगी, कपड़ों पे लगाना, चीटिंग नहीं, कपड़ों पर। कपड़ों पे क्यों लगाना, नहीं नहीं फिर मैं नहीं, फिर मेरे में कपड़ों पे लगाना तो फायदा क्या, कपड़ों पे। अच्छा क्या आपके, मैं कपड़े काट के लगाऊंगी, कपड़ों के ऊपर से लगे, कपड़ों के ऊपर क्यों लगाने। चलो आ जाओ, अब थ्री से टू पे आ गए, अब बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ये। नहीं आप ये चीटिंग करते हो, आप एक ही जंप करते हो, ऐसे तो मैं भी कर लूंगी। दीदी किसके लिए प्रेयर कर रही है, मेरे लिए पापा के लिए। ये लो ऐसे लगा दो ना, घूम जाए ऐसे लगा दो, हमारी मर्जी, हमारी मर्जी, हम कहीं भी लगाएं। ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, रिद्धि सिद्धि के पापा को इंजेक्शन। चलो अब जटो, कल जी को आगे, पहले लेडीज फर्स्ट होती है, जेंट्स फर्स्ट है। पर मजा बहुत आ रहा है, एक बार जरूर ट्राई करना आप भी घर में अपने बच्चों के साथ। यार बड़ा करंट तेज है इसका, वन टाइम है। हाँ वन टाइम, मम्मा मम्मा अब लगेगा। हट जाओ, तेरी मम्मा को कोई नहीं बचा सकता, ये देख, ये देख। क्या पता टाई हो जाए, नहीं होगा। चलो चलो लगाओ, लगाओ
फाइनली इस गेम में मैं जीता हूँ। चलो भाई चलो। कैसा लगा आपको आज हमारी ये लाइटर कंपटीशन? कंपटीशन बहुत ज्यादा कर दे तो कंपटीशन हमारे मुंह पर रहता है, तो ये था हमारा लाइटर चैलेंज जिसमें विनर रहे हैं रिद्धि सिद्धि पापा। रिद्धि सिद्धि के पापा विनर बोलने की जरूरत ही नहीं है, सबको पता है विनर कौन है। नहीं नहीं गाइस आप कमेंट्स में करके बताइए चैलेंज का विनर कौन रहा है। मेरी तरफ से तो मैं ही थी हमेशा की तरह, तो आप कमेंट्स करके जरूर बताएं कि इस चैलेंज का विनर कौन था। और हमें कमेंट्स में ये भी बता रहे हैं कि आपको कितना एंजॉय, आपने कितना एंजॉय कराया इस वीडियो को और इस चैलेंज को। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। चलो बंद करें, बाय बाय, बाय बाय करो दीदी।